ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर। आम आदमी एक बार हार जाएगा, रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में, खेल है सर। कभी जीतोगे कभी हारोगे, जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो, और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो। जो डर गया समझो मर गया। दुनिया में कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं। हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, नहीं निकला कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि भाई तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पर लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा कि अरे प्रीलिम्स निकल गया, हाँ अच्छा, फिर उचला गया वैष्णो देवी की भगवान मेंस ना निकले किसी तरह से, उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर आप लौट कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेंस भी निकल गया, खाना नहीं बना, 3 दिन मातम फैला रहा। फिर शिरडी चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए कि अब अन्याय मत करना, वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस में। अब वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए, आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू, जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखूं। फिर चाची भी पीछे से आ गई मिठाई उठाई लेके, उनके बच्चे भी आ गए, भैया 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 सेल्फी ले ले भैया, आपको लगा क्या? अच्छा हो सकता है तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है, और एरिस्टोक्रेसी चाहती है कि तुम डरो। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही, एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। महत्वाकांक्षा में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो, पैसा नहीं है जेब में हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहेगा। तुम जो सोचते हो ना वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, तुम जब सोच ही रहे हो, सोचो। कुछ लोग सपने में कंजूसी करते हैं, सपने में, सोचने में। जब तुम सोच ही रहे हो, सब सोच रहे हो, ऐसे आंख बंद करके सोच रहे हो, अफेयर के बारे में सोच रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरा अफेयर हो जाएगा रिक्शा वाले की लड़की से, तुम दरिद्र हो। जब तुम सपने में सोच रहे हो अफेयर के बारे में, तो डेमी मूर से सोच लो, सुष्मिता सेन से सोच लो, ऐश्वर्या राय से सोच लो, सोचना ही तो है। लोग सोचने में कंजूस हैं और कहने में डरपोक हैं। हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, जब शादी 25 के बाद नहीं होती है तो बड़ा लोग पूछते हैं, हमारी तो 28 में हुई, तो 25 के बाद लोग बड़ा वो करते हैं, भैया विवाह कब कर रहे हो? ये सब प्रेशर बनाने के तरीके होते हैं। शादी कब कर रहे हो भैया? शादी करेंगे, करेंगे, अभी करेंगे शादी। किससे करोगे भैया? वो कर लेंगे ऐश्वर्या राय से, कर लेंगे सुष्मिता सेन, अभी बात चल रही है, देखें अभी आगे क्या होता है। अरे तो लोग हंसते थे देख के, ले बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिए भगा। अगर ये बात शिवाजी सोच लेते तो, अगर ये बात अब्राहम लिंकन सोच लेता तो, अगर ये बात नेपोलियन सोच लेता तो, तुम क्यों सोचते हो? जब ये बात शिवाजी ने नहीं सोची, नेपोलियन ने नहीं सोची, अब्राहम लिंकन ने नहीं सोची, अंबेडकर ने नहीं सोची, गांधी ने नहीं सोची, तुम क्यों सोचते हो? लड़ाई चलेगी, हारने का मतलब ये नहीं, सरेंडर। यही तो एरिस्टोक्रेसी की सबसे बड़ी बात है सर। आम आदमी एक बार हार जाएगा, रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। कबीर असफल है,
रविदास असफल है। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग, भैया भैया किसी की फुफी के लड़के हो जाओगे, किसी खालक लड़के हो जाओगे, किसी मामू के लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। तुम भी सोचोगे कि पहले तो नहीं थे यार ये, हम कौन सा मुगल फैमिली के हैं। जब गांधी फैमिली के राहुल गांधी 30 चुनाव हार कर फिर लड़ने के लिए तैयार हैं, मैं राहुल जी से बड़ा प्रभावित हूं इस मुद्दे पर। ठीक है, उनकी हिम्मत की, उनकी इस चीज की मैं बड़ी सराहना करता हूं कि क्या बात है, क्या जज्बा है उस बंदे में। लड़ाई लड़ेंगे। जब वो गांधी फैमिली होकर, उनको चिंता नहीं, मोतीलाल नेहरू प्रभावशाली आदमी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनकी मां किंग मेकर, उनके फादर प्रधानमंत्री। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। कुछ चीजें कीमती होती हैं विशेष परिस्थिति में। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। जो ऑड सिचुएशन में, ऑड विपरीत परिस्थिति में जो आदमी मुस्कुरा रहा है, बस वही महान है। जय हिंद।